एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हमारे पास यहाँ पे दो सस्ते फोन आए हुए हैं। 4G है जिसके अंदर आपको 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलने वाला है। यहाँ पे कार्बन का फोन आया हुआ है, इसमें आपको जियो इनसाइड लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। कार्बन ने नया फोन निकाला, बहुत ही सस्ता 4G है जो यहाँ पे हमें मिलने वाला है। दूसरा फोन यहाँ पे हमारे को मिलता है जियो का भारत फोन है, इसके अंदर भी आपको 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलने वाला है। तो आज मैं ये दोनों फोनों को करूँगा अनबॉक्स। अगर ये फोन आपको पसंद आए तो इसे आप बुक कर सकते हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दूंगा, वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो पहले करेंगे अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं इसके अंदर 4 महीने के स्कीम के साथ में मोबाइल बहुत ही सस्ता है। तो आज की वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल ही स्किप मत करना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए गाइस दिखाते हैं इसमें स्कीम के साथ में कैसे आपको स्कीम एक्टिवेट करनी है और आप अपनी जियो की सिम इसी के अंदर आप डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्स। तो गाइस मैंने दोनों फ़ोन कुछ इस तरीके से लगा रखे हैं। यहाँ पे दोनों फ़ोनों में आपको स्कीम मिल जाती है। यहाँ पे जियो का भारत V2 4G नाम से है और कार्बन ने नया फ़ोन निकाला है, बहुत ही सस्ता फ़ोन है ये, और मैं इसका मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देता हूँ। तो बहुत ही सस्ते फ़ोन के लिए कमेंट बहुत आते हैं कि 4G फ़ोन दिखाएं जिसके अंदर बहुत ही सस्ता फ़ोन हो और उसके अंदर रिचार्ज भी हमें सस्ता मिल जाए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन का नया फ़ोन आया हुआ है, 4G है जिसके अंदर आप जियो सिम डाल सकते हैं। तो चलिए आज मैं करता हूँ दोनों फ़ोनों को अनबॉक्स और इसमें आपको 4 महीने का जो रिचार्ज वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो गाइस अभी देख सकते हैं ये बॉक्स मैंने पूरा ओपन किया हुआ है और दूसरा बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बॉक्स मैंने पूरा ओपन किया हुआ है और इसमें जो मोबाइल निकलता है कुछ इस तरीके की कंडीशन में आ जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे 4G फोन है और ये बहुत ही सस्ता है, मैं आपको रेट बताऊंगा और इसको जाके वहाँ से बुक कर सकते हैं ईजिली गाइस, ठीक है। तो 4 महीने का रिचार्ज भी आपको साथ में मिलेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, इसकी बिल्कुल मत करना, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। तो आपको पहले मैं फ़ोन दिखाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1.77 इंच की डिस्प्ले के साथ फोन मिलता है जिसके अंदर आपको भारत लिखा हुआ नजर आएगा। इसके कीपैड में हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर के साइड में इसको आपको एक पावर टॉर्च मिल जाती है और नीचे की साइड में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, LG 3500 का आपको चार्जर मिल जाता है और अगर बैक की बात करूं तो आपको एक कैमरा मिलता है, स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे कार्बन साफ साफ लिखा हुआ है। बस इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, जैसे कि अगर फेसबुक वगैरह चलाना चाहते हो तो आप ईजिली चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी गाइस, ठीक है। इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग से लेकर आपको सारी चीज़ें वो मिलने वाली हैं, जो ऐसे UPI पेमेंट हो गया, इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, फेसबुक हो गया, सारी चीज़ें आप इसके अंदर चला सकते हैं गाइस, ठीक है। तो एक बार बैटरी डालते और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे पैकिंग में कुछ इस तरीके से इसमें क्या आ जाता है। एक तो 1 साल की आपको वारंटी मिल जाएगी इसके अंदर और एक चार्जर मिलता है, तो LG 3500 का आपको चार्जर मिल जाता है और चार्जर में यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ नजर आएगा गाइस, ठीक है। तो एक यहाँ पे बैटरी भी मिल जाती है जो यहाँ पे देख सकते हैं 1000mAh की बैटरी है, और 1000mAh की बैटरी हमें अच्छी लगती है क्योंकि ये नोकिया की बैटरी होती है। अगर बाई चांस ये फ़ोन खराब में बैटरी ख़राब हो जाती है तो हमें लोकल शॉप से कहीं से भी हम चेंज कर सकते हैं, 100-150 रुपये में ईजिली मिल जाती है गाइस, ठीक है, बड़ी बैटरी हमें मिलती नहीं है। तो चलिए एक बार इसमें बैटरी डालते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं। तो गाइस बैटरी डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आपको एक सिम डालनी है, एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं और इसके अंदर मैं आपको सारे जो जियो के ऑप्शन होते हैं मैं आपको एक बार फिर से यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ पे सारे जियो के ऑप्शन आपको यहाँ पे जितने भी होते हैं जो फीचर्स सारे आपको यहाँ से मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। तो अभी जो स्कीम आपको 4 महीने की मिलने वाली है वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, फ़ोन की कीमत देनी है, स्कीम आपको 4 महीने की बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। जो 1 साल का रिचार्ज होता है उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कितने का कैसे आपको करना है, जिसमें आपको 1 साल का रिचार्ज भी मिल जाता है। तो चलिए अभी पहले मैं आपको यहाँ पे कार्बन का फोन है जिसे ऑन कर दिया है और इसके अंदर आपको जियो सिम डालने को मिलने वाला है। अभी यहाँ पे इस तरीके से ये चालू होता है जैसे कार्बन लिखा हुआ गाइस, ठीक है, तब तक ये चालू होगा। यहाँ पे मेरे पास दूसरा फ़ोन है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे सस्ता फ़ोन है, इसके अंदर भी स्कीम लागू होती है 4 महीने वाली। तो यहाँ पे जियो का भारत V2 4G नाम से फ़ोन है, सेम कंडीशन का फ़ोन मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ, इसकी भी 1.77 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ पे ये V2 जो भारत का फ़ोन है, जियो भारत इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर केवल भारत लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी आपको 4 महीने का रिचार्ज मिल जाता है। अगर आपको इन दोनों में फ़ोनों में से कोई सा भी फ़ोन अच्छा लगता है आप दोनों का मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो पहले आप फ़ोन देख लीजिए कौन सा अच्छा है, मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ जैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले फ़ोन देख लीजिए यहाँ पे, मैं आपको इसीलिए चला के दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस इसका जो फ़ोन है आपको देख सकते हैं 1.77 इंच की डिस्प्ले आपको मिल जाती है,
इसमें कीपैड में बिल्कुल भी हैंगिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। बैक साइड में कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे कैमरा मिलता है, स्पीकर मिलता है, जियो लिखा हुआ नजर आएगा और ऊपर के साइड में एक आपको टॉर्च मिल जाती है और नीचे के साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है और हैंड फ्री का आपको मिल जाता है। एल जी चार्जर जो एल जी 3500 का आपको मिल जाता है। अभी इसको भी एक बार बैटरी डाल देते हैं, दोनों को एक साथ ही आपको दिखाएंगे जैसा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक साल की इसमें भी आपको वारंटी मिल जाती है, जियो का भारत फोन है, इसके अंदर आपको चार्जर मिलेगा जिसके अंदर जियो लिखा हुआ होगा और यहाँ पे जो बैटरी मिल जाती है इसके अंदर भी हमें 1000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो चलिए गाइस एक बार हम डालते हैं और पहले प्लान एक्टिवेट करके आपको बताएंगे कितने का आपको ऑफर रिचार्ज आपको कराना होगा। तो गाइस मैं आपको फिर से बताऊंगा, यहाँ पे आपको एक सिम डालनी है और एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल सकते हैं। 1000 mAh की बैटरी है जो मैंने आपको यहाँ से दिया, मैं इसको डाल के एक बार आपको दिखाता हूँ। तो इसको एक बार यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं और आपको अंदर के फीचर्स दिखा देते हैं। इसमें आपको फेसबुक वगैरह ऐसी सारी चीज़ें आप चला सकते हैं और अपने पुराने जियो फ़ोन की जो सिम है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और ये फ़ोन बहुत सस्ते हैं। इस स्कीम के साथ में मैं ये फ़ोन लेके आया हूँ। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ़ोन अगर खरीदते हैं कोई भी आपको डाउट दिक्कत रहता है तो मुझे आप कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि ये फ़ोन दोनों बहुत ही गजब के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कार्बन का फ़ोन है जो ये चालू हो चुका है, इसका जो यहाँ पर बॉक्स है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स खोल रखा है, दूसरा यहाँ पर बॉक्स ओपन नहीं किया हुआ है, दो फ़ोन हम इसके लेके आए थे आपके पास, ठीक है। तो ये बॉक्स खोल रखा है, इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ब्लैक ब्लू में दोनों मिल जाते हैं आपको। तो फ़ोन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको इंटरनेट ब्राउजिंग मिल जाएगा, अगर फेसबुक वगैरह चलाना चाहते हो तो आप फेसबुक चला सकते हैं और इसके अंदर ब्राउजिंग करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम सर्फिंग साफ सुथरी होती है क्योंकि ये 4G फ़ोन है। जियो सावन मिल जाता है कार्बन वाले फ़ोन में क्योंकि इसमें एक सिम डालना है और मात्र वो भी जियो सिम डालनी है गाइस, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें आपको जियो के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। जियो सिनेमा है, जियो सावन है, HD वॉइस कॉल इसके अंदर आप कर सकते हैं जो मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो जियो सिनेमा मिलता है, लाइव क्रिकेट वगैरह देखना चाहते हैं, IPL वगैरह सारी चीज़ें आप चला सकते हैं। इसका जो कैमरा है वो 0.3 MP का आपको कैमरा मिल जाता है, वीडियो प्लेयर आपको रिकॉर्डिंग के साथ में मिल जाता है, 1000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, वायरलेस FM चला सकते हैं, 128 GB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और इसके अंदर आपको LED टॉर्च यहाँ पर मिल जाती है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन मिल जाता है और UPI पेमेंट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना होगा, पहले आप यहाँ से जाएंगे, नया फ़ोन लेंगे तो पहले आपको रीसेट फैक्ट्री पे जाना है, यहाँ पे फ़ोन को अपडेट करना गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यस करना है, यस पे जाके यहाँ पे कुछ अपडेट पे इस तरीके से आपको लगा देना गाइस, ठीक है। कोई भी आपको अगर दिक्कत भी आती है, हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है तो आप इसे रीसेट अपडेट पर लगा देंगे तो सारे वर्जन यहाँ से चेंज हो जाएंगे और उसी तरीके से अपडेट हो जाएगा मोबाइल और इसके अंदर जो भी फीचर्स आपके नहीं चल रहे वो सारी चीज़ें चलने लगेंगी इसी तरीके से। और इसमें फ़ोन जो V2 4G नाम से फ़ोन है इसके अंदर भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, फेसबुक चला सकते हैं, UPI पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जियो भारत पे लिखा हुआ है तो पेमेंट करने का भी ऑप्शन आपको खुल जाएगा। अभी इसको सबको आपको क्या करना है, तो पहले अपडेट करना होगा, सेटिंग में जाके इस फ़ोन को अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद ये सारे जितने भी फीचर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये सारे फीचर्स अपडेट हो जाएंगे और अच्छे से ऐसे IPL वगैरह हो गया या इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, फेसबुक वगैरह तो एकदम साफ सुथरी यहाँ से चल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये फ़ोन आप खरीदते हैं तो 999 रुपये का ये फ़ोन आपको मिलता है, साथ में आपको 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलता है गाइस, ठीक है। तो 4 महीने का रिचार्ज के लिए आपको क्या करना है, 234 का आपको रिचार्ज कराना है जिसके अंदर आपको 2 महीने का रिचार्ज मिलता है और साथ में आपको कंपनी के तरफ से 2 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा गाइस। 234 के रिचार्ज में आपको 2 महीने का रिचार्ज मिलेगा, 512 MB आपको नेट मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेगा 2 महीने के लिए और इसमें प्लस आपको 2 महीने का फ्री रिचार्ज आपको मिल जाएगा गाइस कंपनी की तरफ से। तो 4 महीने का आपको रिचार्ज मिलेगा, 999 रुपये का ये दोनों फ़ोन है। दोनों के मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको लगती है, कोई भी आपको परेशानी लगती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे और अगर मेरे को कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाके मुझे कमेंट करें, मैसेज करें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना।